मसाला किचन में बन रही है आज मसालेदार आलू टमाटर की मठरी, वो भी गेहूं के आटे से। राखी का त्योहार आ रहा है, भैया बहन का एक बहुत ही बढ़िया सा त्योहार है। ऐसे में हम मिठाइयाँ तो बनाते ही हैं, पर कुछ नमकीन भी बनाए जाए, इतना टेस्टी कि बहुत ही अच्छा लगे। ये देखिए मैंने बनाई है आज मठरी, एक टमाटर आलू और आटे से बनाई है। हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 50 वो विनर्स होंगे जिनके साथ हम वीडियो कॉल करेंगे, 25 वो विनर्स होंगे जिन्हें घर बैठे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाली है। ये कॉन्टेस्ट की क्या कैसे आप इसे पार्टिसिपेट करें, इसके लिए आप हमारा फर्स्ट वाला नीचे कमेंट देखिए। आप हमारे फेसबुक पे भी हमारी पोस्ट देखिए जिससे आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप हमारे दूसरा चैनल जो माँ ये कैसे करें, उस चैनल पर भी देखें राखी की, उसमें भी कई वीडियोस हमने डालना शुरू कर दिए। आज की जो नमकीन मठरी बना रहे हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है टमाटर सेव का नमकीन, उसी तरीके से मठरी बना रहे हैं। काफ़ी दिनों तक आप इसे बना कर रख सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि इसमें आलू डाला है तो ये चलेगी कि नहीं चलेगी, 100%, क्योंकि आलू पूरा सिक जाता है ना, तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। और आज मैं पूरे नाप से आपको बता रही हूँ और कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा मैं आटा यूज करूँ। आपको किस टाइप का सेव पसंद है मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं वो भी आपके लिए बनाऊंगी। यहाँ देखिए मैंने छना हुआ गेहूं का आटा लिया है, ये 1 कप है। कोई भी घर की कटोरी ले लीजिए, उससे ही सारी चीजें नाप लीजिए। उतना ही भरा हुआ मैंने मैदा ले लिया है और आधा कटोरी मैं ले रही हूँ सूजी। ये बारीक है, अगर मोटी हो तो एक बार ग्राइंड जरूर कर लें। अब यहाँ हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, जिसको मोयन भी कहते हैं, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बने। 3 टेबलस्पून नॉर्मल चम्मच जो घर में होता है वो ले सकते हैं। यहाँ डालेंगे कुछ सफ़ेद तिल, अगर हैं तो ज़रूर डालें, और मठरी है तो हम अजवाइन तो ज़रूर डालेंगे। इसे हाथों से क्रश करके डालें। स्वाद अनुसार इसमें डालें नमक। मठरी में नमक पहले बहुत ज़्यादा ना डालें। अगर आपके पास भी हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स और बच्चे पसंद करते हैं तो डाल दीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और नहीं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसे नाप रही हूँ आलू का कितना चाहिए, ये उबला हुआ आलू है और ग्रेट किया हुआ है। याद रखिए ग्रेट जरूर करें, अगर आलू के गुठले होंगे तो आपकी मठरी खराब हो सकती है। पूरा 1 कप आलू है, छोटा बड़ा आलू इस पे मत जाइए, 2 आलू थे उन्हें मैंने ग्रेट कर दिया और इस तरीके से नाप लिया है। ये हम बिना पानी से गूंथेंगे, पहले आलू के साथ और फिर ये है मेरे पास टमाटर। इन दो टमाटर बड़े थे मेरे पास, उन्हें मैंने कट लगाया, थोड़ा सा पानी में उबाल लिया। उबालने के बाद इसे ठंडा किया और इसकी स्किन हटा के, या नहीं भी हटाएंगे आप, इसे ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके छान लीजिए। और ये मैंने टमाटर लिया है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और चाहे तो आप लहसुन भी डाल सकते थे, मैंने आज लहसुन नहीं डाला है। तो इसे हम पहले इसके साथ भूनने की कोशिश करेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा टमाटर डालेंगे। और हमें टमाटर डालना ज़रूरी है, तो ज़रूरत पड़ी तो मुझे थोड़ा सा गेहूं का आटा और डालूंगी। मैंने सारा टमाटर इसके अंदर डाल दिया है। टमाटर पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं आप, मेरे पास तो है पर मैंने सोचा शायद आपके पास ना हो, तो टमाटर तो घर में होते ही हैं। आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो। यहाँ देखिए मैंने आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च डाला, मुझे कलर कम अच्छा लग रहा था, या तो टमाटर पाउडर या दूसरा भी लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो लाल मिर्च तो सबके घर में होता है, मैंने वो डाल दिया है। अब यहाँ पर जो इसकी कंसिस्टेंसी वैसे तो ठीक है, पर क्योंकि आलू की मठरी है तो हमें अच्छा टाइट आटा चाहिए जिससे वो महीना भर चल जाए, खराब ना हो, तो हम 2 चम्मच गेहूं का आटा और डाल देते हैं और इसे थोड़ा टाइट कर देते हैं। यहाँ देखिए मैंने इस आटे को ठीक कर दिया है, अब जो है ये परफेक्ट है। थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा दें और इसे रख दें। अब हम बेलना शुरू कर देते हैं, वो रेस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने आलू डाला हुआ है। तो जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा एडजस्ट करना है उसे, तो इसकी कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा होना चाहिए, डो टाइट होना चाहिए, भले ही आटा डालने की जरूरत पड़ जाए। यहाँ देखिए मैंने छोटी छोटी लोई बना ली है, आप अपने हिसाब से साइज़ आपको जैसा चाहिए
अब छोटी लोई ली है, थोड़ा सा पहले एक दो बार चॉपिंग बोर्ड पे ऑयल लगाना पड़ेगा। इसे हम बेल लेते हैं, पतला बेलेंगे और बहुत पतला भी नहीं, इस तरीके से बेलेंगे। अब इसे आप फोक से या नाइफ से प्रिक कर सकते हैं या यूँ लंबे लंबे निशान लगा सकते हैं, ये आपकी च्वाइस है, आपको जैसी चाहिए उस हिसाब से बनाइए। बहुत ही सरल है, फटाफट बनती जाएंगी। ये देखिए, आप ऐसे प्रिक भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें बनाना है, और ऑयल रख दिया है हमने मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो लेकिन स्लो भी नहीं हो। अब इसे हम डालते हैं, एक ही टाइम में 8-10 पीस ज़रूर डाल दीजिए और बहुत ज़्यादा मत चलाइए। एक से दो मिनट के बाद जब ये तैर कर ऊपर आ जाती हैं तब इन्हें चलाना चाहिए, बहुत ही केयरफुली शुरू शुरू में। आप हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, मैंने कई टाइप की मटरियाँ से बहुत सारे बना रखे हैं, हो सकता है आपको उनमें से कुछ पसंद आए, इस त्यौहार पर ज़रूर ट्राई कीजिए। जिस तरीके से मैंने टमाटर के पानी से इसे गूँथा है, आप पालक के पानी से भी गूँथ सकते हैं, मतलब पालक की पेस्ट से, तो ग्रीन कलर की बनेंगी। आलू काफ़ी मैश था और पूरा क्रिस्प हो चुका है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं रहेगी कि आलू डाला है तो ये चलेंगी कि नहीं। ऐसे मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया मटरी, एक ही टाइम में काफ़ी सारी मटरी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से हम और भी डाल रहे हैं, इन्हें सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। इन मटरी को आप मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए। इस समय बारिश का सीज़न है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बारिश का सीज़न है तो आप इसे ठंडा करने के बाद एयरटाइट जार में रखें तो ये काफ़ी दिनों तक चल सकते। तो आलू टमाटर के फ्लेवर वाली गेहूं के आटे की मटरी बनकर तैयार हुई है। हमें यही लगता है, कोई भी आप ले लीजिए मटरी, यही लगता है कि आलू डाला है तो ये क्रिस्पी होंगे कि नहीं। ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी है। आप दही पापड़ी भी इसी से बना सकते हैं, त्यौहार आ रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने तोड़ के दिखाई है, कोई भी कसर नहीं है इसमें, आलू का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें।